ग्रीन टाउन का रिहायशी मुलजम मोहम्मद शहबाज अमानत उर्फ नीलू जट के कत्ल केस में जमानत के लिए एडिशनल सेशन जज जावेद इकबाल की अदालत में पेश हुआ। कमरा अदालत में दाखिल होने से कबल मुखालिफ फरीक मोहम्मद नईम मोहम्मद शाहिद समेत सात मुलजमान ने शहबाज को उठाकर दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। खुशकिस्मती से वकला के चैम्बर की छत पर गिरने से शहबाज की जान तो बच गई, लेकिन वो शदीद जख्मी हो गया और इसे मियो अस्पताल दाखिल करा दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान में दरीना अदावत चली आ रही थी। आपस में झगड़ा हुआ, इन्होंने अमानत अली को ये उठाया वहाँ से, मोहम्मद इमरान को उठाया और उसको नीचे फेंक दिया। अब ये दोनों पार्टियों को पकड़ लिया है और इनको थाने लेके जा रहे हैं। वाके के बाद डीएसपी शमसुल हक दुरानी इंस्पेक्टर मुबीन भट्ट और सिक्योरिटी इंचार्ज मोहम्मद आतिफ मौके पर पहुंच गए और मुलजमान को काबू कर लिया। इसको थर्ड फ्लोर जो जहां पे कोर्ट है वहां से नीचे उसको गिराया है, जिससे वो जख्मी हुआ है। हमने मौके पे ही जो हमारी यहां पे एसएचओ और इंचार्ज सिक्योरिटी, इन्होंने फौरन तमाम के तमाम लोग जो जिन्होंने ये इंसिडेंट किया है उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दूसरी मंजिल से गिरने वाले मुलजम मोहम्मद शहबाज की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ जाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ शाहीन अतीक सिटी 42।